हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स। व्हाट इज फिंगरप्रिंट? फिंगरप्रिंट्स आर पैटर्न्स ऑफ फ्रिक्शन रिच स्किन, फिंगर्स एंड पाम्स ऑफ हैंड्स, सोल्स ऑफ फीट एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिजेस एंड वेल्स। पैटर्न्स फॉर्म ऑन स्किन सरफेसेस अर्ली इन एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट एंड आर कैरिड थ्रू लाइफ। फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं, जिसकी मतलब स्किन के अंदर रीड्स फ्रिक्शन वगैरह ये सब पाई जाती है। फिंगर्स एंड पाम्स ऑफ हैंड मतलब अपनी जो पाम्स होती है, फिंगर्स होती है, उसके अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। और जो ये फिंगरप्रिंट जो है हमारी, वो हमारी जो फिंगरप्रिंट है वो एम्ब्रॉय में डेवलप होने लग जाती है। हिस्ट्री ऑफ फिंगरप्रिंट। इन 1897 गाल्टन रॉट द बुक फिंगरप्रिंट। इन 1901 यूएस एडॉप्टेड फिंगरप्रिंट सिस्टम। इन 1924 अ फिंगरप्रिंट कलेक्शन फॉर्म ऑफ FBI। फंडामेंटल वन, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच फिंगर टिप। द फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिंगरप्रिंट डिस्क्राइब देयर यूनिकनेस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अ फिंगर प्रिंट इज एन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक एंड नो टू फिंगर्स आर फाउंड टू हैव आइडेंटिकल रिच पैटर्न्स। द कैरेक्टरिस्टिक इज सो इंडिविजुअल दैट इवन आइडेंटिकल ट्विन्स हु शेयर सेम जेनेटिक कोड्स डोंट शेयर देयर फिंगरप्रिंट्स। मतलब इस फिंगरप्रिंट द फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सबकी जो फिंगरप्रिंट्स होती है वो इंडिविजुअल होती है। किसी की भी सेम जैसे किसी की भी सेम सेम फिंगर मतलब किसी की भी फिंगर टिप्स पे कोई सी भी कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं पाई जाती। इवन जो ट्विन्स होते हैं साथ में, उनकी भी फिंगरप्रिंट्स कभी भी मैच नहीं होती है। दिस कैरेक्टरिस्टिक इंडिविजुअल ट्विन्स हैव नो शेयर सेम जेनेटिक कोड्स डोंट शेयर फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स आर डिटेक्टेड टू बी फॉर्म। सभी की फिंगरप्रिंट्स जो होती है वो अलग अलग होती है, वो किसी भी कंडीशन में सेम नहीं होती। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल टू, योर फिंगरप्रिंट्स रिमेन अनचेंज्ड। द फंडामेंटल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट फिंगरप्रिंट्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल रिमेन्स अनचेंज। सेकेंड फंडामेंटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो कि पर्सन की फिंगरप्रिंट होती है वो बाई बर्थ से जब तक आप अलाइव होते हो तब तक कभी भी चेंज नहीं होती है। वो आपकी एज के साथ, जैसे आप बड़े होते हो तो आप बड़े होते होते आपकी फिंगरप्रिंट अलग नहीं मतलब चेंज नहीं होती, बट वो आपके साथ साथ बढ़ती जाती है। दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिंगरप्रिंट दैट मेक देम यूजफुल फॉर आइडेंटिफाई मैनेजमेंट एसोसिएशन बायोमेट्रिक। फिंगरप्रिंट जो होती है पर्सन की वो बाय बर्थ से लाइफ टाइम तक सेम होती है। बस वो एक एक कंडीशन होती है, जब आपकी आपको इंजुरी हो जाती है या फिर कुछ हो जाता है तब भी चेंज तो नहीं होती है वो, पर उस टाइम के लिए वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। बट अगर इफ वो हील होने लगती है तो आपकी फिंगरप्रिंट वापस से वही हो जाती है। थर्ड, योर फिंगरप्रिंट पैटर्न्स आर यूनिक। अकॉर्डिंग टू थर्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिंगरप्रिंट, फर्स्ट एनकाउंटर विथ फिंगरप्रिंट मेक देम लुक कॉम्प्लिकेटेड। दे मे लीव यू वंडरिंग दैट हाउ फॉरेंसिक एंड लॉ एनफोर्समेंट पीपल यूज देम। फिंगरप्रिंट में लुक कॉम्प्लिकेटेड बट द फैक्ट इज दैट दे हैव जनरल रिच पैटर्न्स मेकिंग इट पॉसिबल बाय सिमेट्रिक। कुछ जनरल रिच पैटर्न होते हैं जिनकी वजह से फिंगरप्रिंट इजिली क्लासीफाई की जा सकती है। एंड फंडामेंटल हैव थ्री बेसिक रिच पैटर्न्स, आर्चेस, लूप्स एंड वर्ल। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल फोर, द पाल्मर सर्फेस ऑफ द हैंड फिंगर कैरीज द फ्रिक्शन रिजेस। दे अलाउ इंडिविजुअलाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन, दे आर यूनिवर्सल। एवरी क्रिमिनल यूजेस हिज हैंड्स फॉर द कमीशन ऑफ क्राइम। इट मीन्स जैसे कोई भी क्रिमिनल होता है वो
क्राइम करने के लिए अपने हाथों का यूज करता है और वहां पर वो अपनी फिंगरप्रिंट्स छोड़ जाता है. देयरफॉर फेयर चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ फिंगरप्रिंट इन ऑल क्राइम. वहां पर पूरे फेयर चांसेस होते हैं कि क्रिमिनल जो है वो पकड़ा जाए, क्योंकि उसके फिंगर टिप्स के निशान वहां पर रह जाते हैं. दे आर मेनी क्रिमिनल्स हु यूज ग्लव्स वाइल कमिटिंग क्राइम. मतलब बहुत सारे क्रिमिनल्स ऐसे भी होते हैं जो क्राइम कमिट करने से पहले ग्लव्स वियर कर लेते हैं, ताकि उनके फिंगर टिप, उनके जो फिंगरप्रिंट है वो वहां पर नहीं रहे और वो पकड़े ना जाए. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल 5 क्लासिफिकेबल एज द फिंगरप्रिंट हैव डिफरेंट पैटर्न सच एज लूप्स. मतलब फिंगरप्रिंट के डिफरेंट पैटर्न होते हैं, लूप्स, आर्चेस, वर्ल्स. एज 60 to 65% पॉपुलेशन हैव लूप्स, 30 to 35% हैव वर्ल्स, अबाउट 5% हैव आर्चेस. दिस थ्री पैटर्न्स हेल्प टू क्लासिफाई द प्रिंट इन ऑल 10 फिंगरप्रिंट्स क्लासिफिकेशन. मतलब ये जो तीन होती है, ये जो तीन पैटर्न्स होते हैं, ये फिंगरप्रिंट्स क्लासिफाई करने में बहुत हेल्प करते हैं. रिकॉर्ड्स ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल कैन बी क्लासिफाइड एंड रिट्रीव्ड व्हेन नीडेड. इनिमिटेबल इनिमेशन ऑफ फिंगरप्रिंट कैन नॉट हैपन. मतलब फिंगरप्रिंट को कॉपी करना बहुत मुश्किल होता है, कभी भी फिंगरप्रिंट को कॉपी नहीं किया जा सकता. पीपल हैव अटेम्प्ट बट सक्सेसफुल फॉर्जरी ऑफ फिंगरप्रिंट इज नॉट रिपोर्टेड सो फार. द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड एक्सपर्ट्स कैन आइडेंटिफाई दिस. बहुत सारे लोगों ने ये ट्राई किया है कि वो फिंगरप्रिंट को कॉपी कर ले, बट ये अभी तक में पॉसिबल नहीं हो पाया. ये सिर्फ एक स्पेशलिस्ट ही कर सकता है, या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही जो होता है वो इस चीज को क्लासीफाई कर सकता है. बहुत सारे लोग बहुत करीब तक गए हैं, पर अभी तक किसी ने भी फिंगरप्रिंट कॉपी नहीं कर पाया, कोई भी सक्सेस नहीं हो पाया. अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल 5 कंपेरेबल फिंगरप्रिंट्स आर इजीली कंपेरेबल बिकॉज ऑफ ऑल फिंगरप्रिंट्स आर यूनिक. फिंगरप्रिंट जो होती है वो इजीली कंपेयर की जा सकती है, क्योंकि सबके पैटर्न्स अलग अलग होते हैं और सब यूनिक होते हैं. ऑल फिंगरप्रिंट्स हैव डिफरेंट माइन्यूशिया. सबके जो माइन्यूशियाज होते हैं वो अलग अलग होते हैं. एट दिस स्टेज ऑफ कंपेरिजन द एग्जामिनर फर्स्ट लुक एट द लेटेंट प्रिंट क्लोजली देन कंपेयर द टू प्रिंट्स रिलेटिव टू ईच अदर लुकिंग फॉर बोथ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंट कंपेरिजन. ओके, थैंक यू.